का चेहरा देख के नहीं लग रहा है कि आज हम फिर उस जगह पर पहुंच पाएंगे कि नहीं। जो अगर आप हमारे पुराना वीडियो देख रहे होंगे तो दो बार से हमने आने की कोशिश की लेकिन असफल प्रयास। एक बार कुछ और कांड हुआ, दूसरा बार गाड़ी ठुक गई, अब इस बार क्या होना है नहीं पता। आज फिर से हम उसी जगह पर जा रहे हैं जहां महादेव, शंकर महादेव का मंदिर है और बहुत पुराना है शायद, और वहां मैं आपको आज ले चल रहा हूं। आज फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं, मैं आकाश महतो। तो चलिए आगे सफर में देखते हैं, और वो जगह शायद कौन सा है नहीं पता, लेकिन जाने से पता चले क्योंकि फर्स्ट टाइम है। पिछले दो चार बार से तो मतलब आधे रास्ता से आदमी लौट जा रहा है। नागपुर कर देखिए, जैसा कि आप जानते हैं पिछला वीडियो मैंने कुछ आपको बताने का कोशिश किया था लेकिन आप जान रहे हैं कि हुआ कहा था तो फिर भी एक बार दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो हमारा झारखंड है, जिस सिमडेगा जिला की धरती में हम रहते हैं, ये सिमडेगा जिला हुआ और ये पूरा उड़ीसा, और इधर उड़ीसा के आगे जो है आपका आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया, ये जो था कलिंग साम्राज्य का क्षेत्र। और यहाँ पर जो है, जहाँ हम आमतौर पर नागपुरी बोलते हैं, आप देखिएगा उड़ीसा जाएंगे भी तो उड़ीसा कुछ क्षेत्रों में जो है नागपुरी भाषा बोला जाता है, और हमारा जो भाषा है वो कुछ जो है आपका आंध्र प्रदेश से भी मिलता जुलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कलिंग साम्राज्य जो था वो सम्राट अशोक का, ये पूरा अखंड भारत का निर्माण या कह सके कि पूरा उनका जो साम्राज्य को बढ़ाने का नीति था उसमें कलिंग साम्राज्य जो है उसमें वो बोल रहा था कि नहीं, हम अकेले रहेंगे, जो भी है जैसा भी है वो बंदा मान नहीं रहा था। तो सम्राट अशोक ने हमला करने के लिए इसी रास्ता से जहां आज हम जा रहे हैं वहां पर वो रास्ता से गुजरे। तो आपको जैसे पता है कि पहले जमाने में बहुत समय लग जाता चूंकि पैदल या फिर घोड़े के, अब घोड़ा तो इतना नहीं ना था कि सैनिकों को घोड़े में बैठा ले, तो राजा लोग रहता था मेन मेन नहीं होता है साहेबजादा टाइप का, तो उन लोग जाता था घोड़ा में चाहे हाथी में। अब बैलगाड़ी तो उतना चलेगा नहीं, कार तो था नहीं, तो पैदल जाते जाते लोग रुकते जाते थे और कई दिनों का सफर के पश्चात वो जो है अपना जहाँ पहुंचना होता था वहां पहुंचते थे। तो जहाँ रुकते थे कुछ दिनों के लिए तो वहां पर वो लोग मंदिर का निर्माण करते थे, अपने इष्ट देव की मूर्ति का पूजा करते थे ताकि उसको युद्ध में मतलब समझ रहे हैं मतलब जीत मिल सके, इस टाइप का चीज था। तो वहीं पर जा रहे हैं, देखिएगा फिर आगे क्या क्या। चलिए, जैसे कि मैं आपको इससे पहले बताया, और हम लोग यहाँ पर सिमडेगा से करीब 4 किलोमीटर आने के बाद, ये जोगबहार पंचायत से इधर 2 किलोमीटर करीब घुसने के बाद, ये जिस जगह पर हम लोग का आना था वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। लेकिन अगर आप अपने चारों तरफ देखिएगा, इधर अगर देख सकते हैं इधर चारों तरफ में, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पेड़ दिख रहा होगा, और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर है क्या। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और मैं भी देखने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर है क्या। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक दो चीज़ समझ में नहीं आया कि स्टार्टिंग जो हम लोग जा रहे हैं, ये जो पत्थर इस टाइप का है, ये पत्थर है कि का है, ये तो इस अभी जमाना का लग नहीं रहा है। ये सब इतना बड़ा बड़ा पत्थर तो अभी तो होता नहीं है। और यहाँ पर जो नया पत्थर है वो आपको दिख जाएगा, जैसे कि ये सब नया पत्थर अभी का है, ये दिख जाएगा। तो यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा पत्थर क्यों है, सबसे पहला सवाल ये है। तो चलिए आगे देखते हैं इस सवाल का जवाब क्या है। और इधर जो है क्या बोले, इधर इतना बड़ा बड़ा पत्थर हुआ तो ये तो बहुत बड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा बड़ा है। और इसको जो है ना, जिस तरीके के से इसका बनावट है, अगर मैं इधर आपको ये देखिए, यहाँ पर इसको देखिए थोड़ा सा, ये पत्थर जो है ना इसको यहाँ पर काट के थोड़ा सा निकाला हुआ है, फिर ये वाला पत्थर में भी हल्का काट के निकाला हुआ है। इसके अलावा और भी मैं आपको पत्थर दिखा दूँ, ये देखिए इसमें भी काटा हुआ है थोड़ा सा, आधा आधा काटा हुआ है। इसका मतलब ये है कि उस जमाने में जो मंदिर का निर्माण हुआ होगा, तो आज जैसा सीमेंट थोड़े रहेगा कि घोला मसाला लगाया हो गया, वो कुछ था नहीं, तो उसको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए इस तरीके का पत्थर का शायद निर्माण कराया होगा। मैं बहुत बड़ा का इतिहासकार नहीं हूँ। अच्छा, इधर अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, देखिए पत्थर को जो है ये चक्री टाइप का, देखिए बड़ा का जाता नहीं जिसको बोलते हैं,
इस टाइप का, देखिए कितना बड़ा बड़ा, ये इस तरीके का गोलाकार है, इसके ऊपर एक और रखा हुआ है, ये लग रहा है ना कोई घड़ा का आकृति का, जिसका वो गर्दनवे को उड़ा दिया है टाइप का। और यहाँ पर देखिए, यहाँ भी एक पूरा बढ़िया सा गोलाकार पत्थर है। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये इतना बड़ा एक गोलाकार पत्थर है, इसमें देखिए एक डिजाइनिंग है किस तरीके के, जैसे हम लोग मुट्ठी बांधते हैं ना, तो जैसे अंगुली बनता है उस टाइप का ये जो है बना हुआ है। और ये किस चीज़ का, ये भी पत्थर है, तो इसका भी कुछ एक चीज़ बना हुआ है, वो नहीं पता क्या है। यहाँ ये शायद लग रहा है कि भगवान गणेश का मूर्ति है, इस टाइप का है। और ये गणेश जी का मूर्ति, और उसको जो उनको जो रखा हुआ है, ये चट्टान भी देखिए, ये करीब 3x3 का ये चट्टान जो इसको काटा हुआ है। और ये जो सारे पत्थर हैं, इसमें हर एक पत्थर में जो है नक्काशी किया हुआ है। और ये जो देखिए, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो ये कौन सी देवी देवता जो है, देवी है तो ये कौन सा है नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन इनका ये जो है वाहन है, ये वाहन में जो है इनको सवार किया गया है। इन इसके अलावा यहाँ भी एक मूर्ति है, यहाँ पर जो है इसमें भी एक देवी का मूर्ति है। उस ज़माने में जो है मौर्य काल में, सम्राट अशोक काल में, मौर्य काल में महिलाओं को जो है काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया गया था। और यहाँ जो मुख्य मंदिर है, जहाँ अभी ये पुराना मंदिर है शायद, और यहाँ पर जो है अभी तक इसका छत तो नहीं है, लेकिन वहाँ देखिए एक कोई बाघ या शेर टाइप का मूर्ति है, और उधर वो शिवलिंग के रूप में है। तो ये यहाँ पर जो है मुख्य मंदिर में है। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा, तो ये मूर्ति जो है खंडित की हुई है, तो ये भी देवी का मूर्ति है, उतना क्लियर नहीं पता चल पा रहा है कि ये कौन सा देवी का मूर्ति है, लेकिन ये खंडित हो चुका है, ये पाषाण जो है ये खंडित हो चुका है। और इधर आप देखेंगे तो ये भी एक बड़ा पत्थर है, आप देख सकते हैं इसको, ये भी करीब 4x6 का है। और यहाँ भी एक मूर्ति जो देवी का है, उधर भी एक जो आपको बताया कि घड़ा टाइप का जो था, उसका घड़ा का सिर नहीं है वो टाइप का, उधर भी है। और पत्थर का साइज अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पर बहुत विशाल विशाल है। यहाँ भी एक गणेश का मूर्ति, भगवान गणेश का। और इसके अलावा अगर हम लोग इस साइड में देखेंगे, तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर ये कौन सा, ये कौन, ये जो है ये लग रहा है कि बैल, शायद गौ का पूजा होता होगा, तो ये शायद उसी हिसाब से, या फिर ये सूंड, तो हाथी हो सकता है, ये गणेश, क्योंकि यहाँ पर सूंड टाइप का भी है, लेकिन इनका जो सिर है वो खंडित है। और यहाँ पर जो है ये पत्थर जो है, इसमें भी नक्काशी है। और ये जो हमको ना समझ में नहीं आ रहा है, हर बार हर जगह देख रहा हूँ मैं, कि इस टाइप का जो है ना गोलाकार टाइप का बड़ा सा गोल, ये नहीं पता चल रहा है एक्चुअली में ये क्या है। ये धीरे धीरे हम लोग को पता चलेगा कि एक्चुअली में है क्या। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ये शिवलिंग जो है स्थापित किया गया होगा यहाँ पर, वो चीज़ है। और चूँकि आपको पता होगा 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक का इस रास्ता से आना जाना हुआ था, तो शायद ये आज से लेके 2200 साल पहले का ये सारे पत्थर होंगे। और ये पत्थर जो मैं आपको पहले भी बताया कि देखिए, यहाँ पर भी ये देखिए, इसको कट करके यहाँ पर निकाला हुआ है, यहाँ भी इसको भी कट किया हुआ है, जितना भी आप पत्थर देखेंगे सब में कट किया हुआ है, क्योंकि जोड़ने के लिए उसको, वो आराम से वहाँ पर कनेक्ट हो जाता था। अच्छा, इतना पत्थर जो है ये क्यों बिखरा पड़ा है, ये मुझे नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि सारे पत्थर जो है अभी के नहीं है, ये सारे पत्थर बहुत पुराने हैं। और इधर भी जो है ये भी पत्थर है, और यहाँ पेड़ दिख रहा है बहुत पुराना, ये कौन सा पेड़ है, ये मतलब टाउन में रह रहा है ना, दिमागवा तो ख़राब हो जाता है, इधर जंगल का बातें पता नहीं चलता है कि है क्या, ये कौन सा पेड़ है, लग तो रहा है ये अर्जुन का पेड़ टाइप का, लेकिन अर्जुन का पेड़ में अभी पत्ता नहीं है, तो ये नहीं है, ये दूसरा पेड़ होगा, आप लोग को पता होगा तो बताइएगा। ये जो है, जैसे कि आप लोग को इतना दिखाने के बाद, वो बाकी तो इधर देखिएगा तो सब वही पत्थर है जो मैंने आपको बताया कि जिसको एक डिजाइनिंग के तहत काटा गया है। और इसके अलावा जो ये है, यहाँ पर देखिए ना, पत्थर का साइजों को तो देखिए, आजकल का लोग सकेगा इतना बड़ा बड़ा पत्थर बनाने,
ये आज का समय काट, यहाँ पर देखिए ये जो है ना दो स्तंभ यहाँ पर देखिएगा, एक तो यहाँ बीच में भी है और एक इसके ऊपर रखा हुआ है। तो इसको देख के लगता है, और इतने सारे पत्थरों को और इतने डिजाइन, जैसे कि वहाँ मैंने आपको पहले जो दिखाया था वो वाला इस टाइप का, ये मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है मंदिर का निर्माण किया गया होगा। और चूंकि ये तो 2200 साल पहले की बात है, तो बहुत सारे यहाँ पर क्या बोले उतना लोग का जनसंख्या नहीं था। एक बार मंदिर बन जाने के बाद, लौट जाने के बाद यहाँ देख रेख नहीं होने, अच्छा देख रेख भी होगा तो 2000 साल से जी कहाँ से रहेगा, कोई उपाय नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके का है कि इसको अगर क्या बोलते हैं उसको पुरातत्व वेदा कुछ जो रहता है पुराना चीज को, आर्कियोलॉजिस्ट ये जो होता है आर्कियोलॉजिस्ट, ये लोग को यहाँ पर एक बार देखना चाहिए क्या है यहाँ पर पुरातत्व की जो चीज़ें हैं जो हमें इतिहास के बारे में और अधिक जानकारी दे सकती है। सिमडेगा का जो इतिहास रहा है उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जरूरी है कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार के अलावा आम जनता जो है के साथ साथ हम लोगों को भी यहाँ पर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, और इसका एक बार पुनर्निर्माण के लिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए, ताकि हम आने वाले पीढ़ी को भी हमारे जो इतिहास है उसको हम रख सके। और जैसा कि आप लोग देख रहे थे, और हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।